अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबका खैर, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ना मैं सहरी का इंतज़ाम कर रही हूँ और जल्दी जल्दी सहरी बना रही हूँ। थोड़ा सा भी लेट हो गई थी मैं, और सहरी में मैंने पराठे बनाए हैं और एक कबाब है और एक सालन भी है उसके साथ। ये हमारा आज का सहरी का है। ये हमारे पराठे बन चुके हैं और अब मैंने चाय पकने के लिए रखी है। चाय रह गई थी अभी मेरी, और बाकी तकरीबन मेरा सहरी का हो चुका है, पक चुका है। और मैंने सुबह गैस आ रही थी तो साथ ही साथ मैंने छोले बॉईल करने के लिए रखे थे, इस पर ब्लैक छोले, तो लेकिन अभी गैस चली गई थी तो फिर मैंने हटा दिए। और आप लोग के रोजे कैसे गुजर रहे हैं? और मैं रमजान में दलिया भी बना के रखती हूँ और उसमें दूध डाल के और ड्राई फ्रूट डाल कर देती हूँ, तो वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है दलिया तो। लेकिन अभी अब मैं लाना भूल गई थी और इनको भी याद आ रहा था दलिया के, दलिया नहीं बनाया अभी, तो मैंने कहा लाकर दे देगा, मैं लाना भूल गई हूँ तो वो लेकर आएंगे, तो फिर मैं बॉईल करके रखूँगी। फिर वो अभी चाय भी बॉईल हो रही है, पक गई है, तकरीबन उबल आ चुका है, उसमें उबाल आ चुका है। मैं जल्दी जल्दी में मेरे मुँह से कहते कैसे अल्फाज निकल रहे। चलिए ठीक है, मैं हम अपनी सहरी कंप्लीट करती हूँ, ठीक है, और आप लोग भी अपनी सहरी कंप्लीट करें, ठीक है। और फ्रेंड्स, हमारी सहरी हो चुकी है और अभी मेरी चाय अभी ख़त्म नहीं हुई, चाय मैं पी रही हूँ। चाय में पी रही हूँ और साथ ही साथ किचन के बर्तन भी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मैं सहरी में ही अपना किचन क्लियर कर देती हूँ। और बाकी फिर थोड़े से बर्तन होते हैंगे ये वॉश कर लूँगी। और माशाल्लाह से आज चौथी सहरी, वो पांचवी सहरी है, और रोज़े तो बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। और मेरा कुरान भी आज 18वां पारा चल रहा है, 19वां पारा चल रहा है, और इंशाल्लाह एक दो दिन में मेरा कुरान ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी लेट हो गई वरना मेरा जल्दी कुरान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। अभी भी थोड़ी सी तासुरात है तबीयत के मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी, चेहरे से पता चल रहा है तासुरात का। और बाकी आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग की भी सहरी हो रही होगी, अभी सहरी कर रहे होंगे, आप सब भी उठ गए होंगे। और बस अल्लाह ताला सबके रिज़िक में बरकत दे, सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और सबकी परेशानियां तकलीफें सब दूर करे। मेरी बहनों की भी जो तकलीफें परेशानियाँ वो सब दूर कर दे, मेरी बहनों को के घरों में खुशहाली दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सबके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी किसी की दुआ किसी को लग जाती है। और बस अपने लिए तो करते ही हैं, दूसरों के लिए भी इंसान को सोचना चाहिए, और यही सबसे बड़ी नेकी होती है। चले ठीक है, मैं अपने काम जल्दी से कंप्लीट करूँ, फिर मेरे सोच रही हूँ एक सिपारा और पढ़ लूँ, और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है, अब मैं अपने किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। अभी गैस आ रही थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं इस पर सालन बना लूँ, छोले तो मैंने बॉईल कर लिए थे ब्लैक छोले, और अब मैं आलू बॉईल कर रही हूँ, हो सकता है आलू का मैं कुछ बना लूँ। और बाकी मैंने कीमा आलू बना रही हूँ, ये मेरा कम्प्लीट हो गया है, पक गया है ऑलमोस्ट। और अभी मुझे ज़रा काम से भी जाना है, मेट्रो जाऊंगी, वहाँ से कुछ चीज़ें रह गई थी वो लेने के लिए। और बस अब सुबह जल्दी उठ जाओ तो जल्दी काम हो जाते हैं, बाहर वैसे धूप नज़र आ रही है कि धूप रहेगी, और जाना तो ज़रूरी है, चीज़ें लानी है,
कुछ सामान मेरा रह गया था इम्तियाज से, तो बस वहाँ क्योंकि रश इतना हो गया था तो इसलिए सब कंप्लीट मेरी चीज़ें नहीं आई थी, तो थोड़ी सी चीज़ें हैं यहाँ से ले लूँगी, क्योंकि तो हमारे थोड़ा घर के करीब है तो हम वॉक करके तो मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि गाड़ी में ही बैठ के फिर रोड क्रॉस करना मुश्किल होता है ना, तो इसलिए तो देखो सकता है रिक्शे में जाऊँ या फिर वॉक करके जाऊँ। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ कि आलू तो पक गया है, ये आलू भी पक जाएंगे तो ये जल्दी भी काम कर लूँ मैंने, और घर की डस्टिंग वगैरह भी हो गई है मेरी, सब काम हो गए हैं ऑलमोस्ट और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गए। और अब मैं फारिग हूँ बस, चले फिर जो भी मेरी ही अफ्तार की जो भी डिशेज होंगी वो दिखाऊंगी मैं आपको, मैं आज क्या बना रही हूँ अपने अफ्तार में, ठीक है, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक के लिए आप लोग मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा, और आप लोग मेरे वीडियो को जब तक के लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी गलती नज़र आया करें प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें जो मैं गलती कर रही हूँ, ठीक है। चले अभी फ़िलहाल तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। और ये देखिए मेरा कीमा आलू पक चुका है, और ये आलू बॉईल हो रहे हैं, जब तक मैं तैयार होंगी तो ये भी गल जाएंगे जब तक, और माशाल्लाह से ये भी कंप्लीट कर लिया है मैंने, छोले भी मेरे बॉईल हो गए अच्छे से, और हमारी शॉपिंग हो चुकी है, हम घर वापस जा रहे हैं। ज़्यादा शॉपिंग नहीं थी हमारी, थोड़ी सी शॉपिंग थी और जो हमने कर ली है, जो वो बहुत शरीफ थी, मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती, अपने हस्बैंड को ज़्यादा परेशान नहीं करती। मैं मेट्रो से अपना ग्रोसरी लेके आ चुकी हूँ जो थोड़ी बहुत रह गई थी, और अब मैं ये समोसा बना रही हूँ, पेन मिल समोसा, और ये मेरा रह गया था मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, ये देखें इक्वल कटिंग, ये मैंने सब कटिंग कर ली है, अब इनको मैं सेट करती हूँ, ठीक है। मेरे कंप्लीट हो गए हैं, अब इसको मैं मैदे का बैटर बनाऊंगी और उसमें फ्राई करूंगी, ठीक है, फिर आपको दिखाऊंगी शाम को।
ये देखिए पिन व्हील समोसा मैंने कंप्लीट कर लिया, फ्राई कर लिया है ये इफ्तार के लिए। और हमारी लाइट नहीं है, ये पकोड़े हैं माशाल्लाह से। और आज मैंने ब्लैक छोले बनाए हैं। और इसमें अभी मैं मसाला डालूँगी, ग्रीन मसाला, ये सब मेरे हस्बैंड शॉप से नहीं खाते हैं तो इसलिए। और ये फ्रूट चाट है। ये है आज की हमारी इफ्तारी। और अल्लाह ताला सबके रिज़िक में बरकत दे और सबके दस्तरखान ऐसे ही सजे रहें, आमीन। और ये ग्रीन शरबत बनाया है मैंने कोई इसका, इसमें थोड़ा दूध डाला है, ये देखें। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए कल तक के लिए, इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो लेकर आऊँ। कीप यू वॉचिंग माई व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।